नमस्कार दोस्तों, ड्रीम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की आज फोर्थ क्लास है। अगर पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं आप लोगों ने तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको अगर देखना है तो प्रीवियस ईयर के ग्रुप फाइव के सारे पेपर आपको मिलेंगे, है ना। रीजनिंग की क्लासेस आपको मिलेगी, मैथ्स की क्लासेस आपको मिलेगी, हिंदी की क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है मेरे दोस्तों। अभी हमने नए पुराने वीडियो तो अपलोडेड है ही, लेकिन अभी सारी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलने वाली है। तो अभी जो हम रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग जो पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस है मेरे दोस्तों। ये आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि क्या आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। मैं सारे कमेंट्स जो है चेक करने वाला हूं, तो सभी बच्चों को कमेंट करके बताना ही है। मैं एक बार क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। देखिए, सारे टाइप हमने किए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। पहला है कि यदि फादर को एच सी वी जे जी टी के रूप में कोडित किया जाता है तो सी यानी कि एस एस एच आई पी को कैसे कोडित किया जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ए बी सी डी। चार ऑप्शन में से जो भी सही होगा वो ऑप्शन आपको लिखना है मेरे दोस्तों, है ना। सेकंड है कि किसी कोड में संडे को ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वाई ए बी एन यू एस लिखा जाता है, तो क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा। इसके भी चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। थर्ड दिया है कि यदि किसी कूट भाषा में डिस्क को, देखो ये वाला भी टाइप हमने किया था कि अल्फाबेट और न्यूमेरिकल से कोड किया जाता है, तो डिस्क को अगर 8749 लिखा जाता है, एस सी एच ई को हम 3950 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हेड यानी कि एच ई ए डी को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। फोर्थ है कि यदि बॉर्न को बी ओ आर एन को 53 डॉलर और ये है स्टार लिखा जाता है, उसी प्रकार न्यूज एन ई डब्ल्यू एस को स्टार है, टू है, फोर है और हैज लिखा जाता है ना, तो उसी कोड भाषा में शोर यानी कि एस ओ आर ई को कैसे लिखा जाएगा। आपको इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन चूज करके बताना है, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, और जल को क्या कहा जाए, हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, हरे को क्या कहेंगे, हम बादल कहेंगे, बादल को क्या कहेंगे, नीला कहेंगे, बादल को अगर नीला कहा जाए और नीले को जमीन कहा जाए, नीले को क्या कहेंगे, जमीन कहा जाए, और जमीन को फिर क्या कहेंगे, लाल कहा जाए, तो आपको बताना है कि मछली कहां पर रहेगी। मेरे दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन के आंसर आप चाहिए, है ना। क्या है कि यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाता है, नीले को जमीन, जमीन को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है, तो आपको बताना है कि मछली कहां पर रहेगी। क्या जल में रहेगी, हरा होगा, नीला होगा, लाल होगा, मछली कहां पर रहेगी, कहां पर रहेगी, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से समझ लेना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन और भी आप करना चाहोगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवा देंगे, लेकिन आपके कमेंट्स आएंगे तभी ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में, इसके भी दो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, एस यू ई आर ई निक एन आई के को हम ये लिखते हैं, ये पी आई एस ओ आर आर ई एन आई के का को हम सी इज ऑलवेज स्माइलिंग ये लिखा जाता है, एस ओ आर आर ई जेड एच आई को का अर्थ है या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज ऑलवेज चेयरफुल लिखा जाता है, तो स्माइलिंग के लिए क्या लिखा गया है ये आपको बताना है। ये जो स्माइलिंग लिखा है दोस्तों, ये इसमें से कौन सी कोड भाषा, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्माइलिंग के लिए यूज किया गया है, इसी में से आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो स्माइलिंग लिखा है तो इन चारों में से कोई ना कोई तो आंसर होगा जो स्माइलिंग के लिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है ये आपको पहचाना आना चाहिए। तो ये मेरे दोस्तों सिक्स क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट करके बताने हैं। और मेरे दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं तो ना ही लाइक कर रहे हो ना ही कमेंट्स कर रहे हो, अगर लाइक कमेंट्स नहीं आएंगे तो क्लासेस कैसे कंटिन्यू होगी आप ही बता दो, है ना। क्लासेस कंटिन्यू होने के लिए हमें पता तो चले कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। व्यू जरूर आ रहा है, लेकिन व्यू का कोई मतलब नहीं जब तक हमें ना पता चले कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। वो पता तभी चल पाएगा जब आप लाइक करोगे कमेंट करोगे दोस्तों। तो इसी के साथ फिर हम क्लासेस एमपीजी के भी लेके आएंगे, मैथ्स की क्लासेस भी लेके आएंगे, लेकिन ये आप बताओगे कि क्लासेस लेकर आनी है या नहीं आनी है तो ही पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से क्लासेस बंद करनी पड़ जाएगी, है ना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए, स्क्रीनशॉट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है पहले वाले क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए होंगे, और इनको सॉल्व करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो मैं आपको सही आंसर आपके कमेंट बॉक्स में ही आपको सही आंसर बता दूंगा कि किस टाइप से सही आंसर आएगा, है ना। अगर चाहते हो तो इसको
सॉल्व करके भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।